What's up everyone? Welcome back to the channel. हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि है फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल. तो बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट यार 30-40 मिनट्स में आपका कवर हो जाएगा. टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझना, और मैंने नोट्स में थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है इसके अंदर ताकि आप उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से शॉर्टन अप कर पाओ. मैं सारा समझा दूंगा बट देखो बहुत छोटे नोट्स पे आपको पूरे नंबर नहीं मिलने हैं, कुछ लिखने को भी तो चाहिए. तो मेरे नोट्स हमेशा काफ़ी डिटेल्ड होंगे, जिनको आप अच्छे से लिख के आओगे तो नंबर पूरे मिलेंगे. चलिए लेट्स बिगिन. चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग फिर सबसे पहले टॉपिक के साथ जो भी है मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस. अब फिजिकल फिटनेस क्या होता है कि कोई भी इंसान आपको फिजिकली फिट दिख रहा है उसको हम फिजिकल फिटनेस बोलते हैं. बट अगर हम इसको और डिटेल में जाएं तो फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है कि आप फिजिकली तो फिट हो ही, उसके साथ साथ आप एक्टिव भी हो, आपको टायर्डनेस भी कम हो रही है, आप पूरा दिन काम करने के बाद भी कोई भी रात को फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, तो वो एक ओवरऑल फिजिकल फिटनेस कहलाता है. तो देखो क्या है फिजिकल फिटनेस, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू वर्क इफेक्टिवली विद जॉय एंड प्लेजर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क ही स्टिल हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू डू मोर. मतलब कि रात को भी ऐसा नहीं है कि भाई काम करा पूरे दिन और जाके बेहोश. नहीं, आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको कोई कॉल करे तो आपके पास उठाने की एनर्जी है, आप बातचीत कर सकते हो. दैट इज फिजिकल फिटनेस. द पर्सन हु रिमेन्स एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक चेयरफुल इन डूइंग हिज वर्क इज सेड टू बी फिजिकली फिट. एक इंसान जो खुशी से एनर्जी के साथ एंथुसियाज्म के साथ अपना काम करता है उसको हम फिजिकली फिट बोलते हैं. अब जो फिजिकल फिटनेस है वो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, वर्क टू वर्क, जेंडर टू जेंडर, ये डिफर करता है. राइट, तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, नेचर ऑफ द वर्क, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, एज, सेक्स, अडेप्टेबिलिटी, हर चीज पे फर्क पड़ता है. तो ये हमारा एक ओवरऑल फिजिकल फिटनेस के अंदर आ जाता है. इसके बाद क्या आता है बच्चों, वेलनेस. अब याद रखना बच्चों, फिजिकल फिटनेस में हम सिर्फ फिजिकली बात कर रहे थे, वेलनेस एक कंपैरेटिवली बड़ा टॉपिक है. वेलनेस में हम किसी भी इंसान की ओवरऑल वेलनेस की बात करते हैं कि वो मेंटली कितना साउंड है, उसकी डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी है, वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, यानी रिएक्टिव एबिलिटी कैसी है, फिजिकली वो कितना फिट है. यानी वेलनेस एक ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ना. फिजिकल फिटनेस एक कंपैरेटिवली छोटा टॉपिक है, तो वेलनेस बाद में आता है ना. आप देखोगे कई इंसानों को वो आपको बहुत खुश दिखेंगे, वो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो सब वेलनेस कवर करते हैं. समझे, देखो क्या है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड थॉटफुल प्रोसेस टू स्टे हेल्दी. मतलब एक तो होता है फिट होना और एक होता है फिट रहना लंबे समय तक, वो वेलनेस में आता है. तो वेलनेस इज अ कॉन्टिन्यूस एंड थॉटफुल प्रोसेस टू स्टे हेल्दी एंड अचीव टोटल वेलबींग. राइट, इट इज अ पॉजिटिव एंड आइडियल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंसान जो पॉजिटिव है, आइडियल है, विच इज रिफ्लेक्टेड इन डे टू डे वर्क, आपको उसके डे टू डे वर्क में नजर आएगी वो चीज, कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में कर रहा है, वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है और हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसका. तो ये वेलनेस है. देखो वेलनेस ज्यादा बड़ा टॉपिक है, ठीक है. इट इज अ वास्ट टर्म रिलेटेड विद गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ, बैलेंस ऑफ माइंड, माइंड अच्छा है, अच्छी बॉडी, स्पिरिट ऑफ ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग, यानी स्पिरिचुअली भी वो ओवरऑल वेलबींग आपको नजर आ जाएगी उसके काम में, उसके जीवन जीने के तरीके में, ये पर्टिकुलरली इसमें चलता है. ठीक है, परफेक्ट है जी, ये हमारे पास वेलनेस में आता है. इसके बाद हमारे पास आता है हेल्थ. सर हेल्थ क्या होगा, अब हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हेल्थ में भी मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान इंटरनली भी हेल्दी है, एक्सटर्नली भी हेल्दी है. मतलब एक्सटर्नली उसको कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, इंटरनली उसके ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके अंदर एनर्जी रहती है, उसके अंदर स्टैमिना रहता है, उसके अंदर एंड्योरेंस रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो हर काम बहुत अच्छे से कर पा रहा है, तो एक इंसान हेल्दी कहलाता है ना, अच्छी डाइट खाता है, ये हेल्थ में आता है. अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ विच हेल्प्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग. एक अच्छा लाइफस्टाइल हम उसको बोलते हैं जो इंसान को हेल्दी रहने में मदद करता है और उसकी वेलबींग पे फोकस करता है. हेल्दी लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट्स आर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड, आपके हैबिट्स, आपका बिहेवियर, आपके ट्रेडिशंस, हेल्थ को लेके कैसे हैं, इसी को हम मीनिंग ऑफ हेल्थ में कवर करते हैं. परफेक्ट है, तो मतलब ये तुम अपने हिसाब से लिख के आ सकते हो कि हेल्थ क्या है, वेलनेस क्या है और आपके पास फिजिकल फिटनेस क्या है. तीनों ही अलग अलग टॉपिक्स हैं, आप बड़े आराम से जितना मैंने समझाया उतना भी लिख के आओगे अपने वर्ड्स में, आपको नंबर मिलने तय हैं. ठीक है,
इसके बाद आता है बच्चों इंपॉर्टेंस इन सभी चीज़ों की, हेल्थ की, वेलनेस की, फिजिकल फिटनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। सर एफिशिएंसी इंप्रूव करने का मतलब आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हो। एक इंसान जो वेलनेस पे फोकस करता है, हेल्थ पे फोकस करता है, फिजिकली फिट है, वो ज़्यादा बेटर काम कर पाएगा। मैं खुद को, अपने आप को देखता हूँ, मैं बहुत इन सारी चीज़ों पर काम करता हूँ। मैं रेगुलर वर्कआउट भी करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं योगा भी करता हूँ। तो मैं उस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा लेके आ चुका हूँ कि 30-40 मिनट्स की ये सारी चीज़ें, जैसे एक दिन मैंने आउटडोर वर्कआउट कर लिया, एक दिन जिम कर लिया, एक दिन कोई स्पोर्ट खेल लिया, मेडिटेशन में रेगुलर करता हूँ 15-20 मिनट रोज सुबह। तो जब मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ ना, तो मेरे लाइफस्टाइल पे मैं देखता हूँ कि मैं मल्टीपल चीज़ें कर पाता हूँ। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूब भी करता हूँ, मेरे मल्टीपल और भी काम है जो मैं करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं कर पाता हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हो, तो मैं उनको कैसे बताऊँ कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल इसके पीछे का एक बेसिक कारण रहता है, ठीक है ना। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, आपका काम ज़्यादा बेटर होता है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट भी पढ़ा दूँ, फिजिकली फिट और वेल बैलेंस पर्सन ज़्यादा काम कर पाता है, लेस फटीग, यानी कम थकता है वो, परफेक्ट है। दूसरा, एक जो फिजिकली फिट इंसान होगा उसके पास अच्छे रिस्पॉन्स सिस्टम होगा, मतलब ऐसे लोग स्ट्रेस फ्री रहते हैं, कूल माइंडेड रहते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर पाते हैं, राइट। ब्रिंग ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है जिस इंसान के पास अच्छी हेल्थ वेलनेस होती है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, एक प्रॉपर फिजिकली फिट इंसान, अच्छी हेल्थ वाला इंसान, अच्छी वेलनेस वाला इंसान टाइम को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि वो एक्टिव लाइफस्टाइल अच्छे से सस्टेन कर सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप होना, यानी कि टू रिमेन फिट वन रिक्वायर अ हेल्दी क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। अगर आपको फिट रहना है तो आपको हेल्दी क्लीन, आपके आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा होना चाहिए, आपके आसपास सैनिटेशन होना चाहिए, आपके आसपास अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छा फूड होना चाहिए, रेगुलर वर्कआउट होना चाहिए। तो ये एनवायरनमेंट एक हेल्दी इंसान के पीछे होता है। इसके बाद इम्प्रूव्स हेल्थ एंड प्रिवेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। मतलब मैं अपने ही फ्रेंड्स को देखता हूँ तो मेरे एज ग्रुप में बहुत मोटे मोटे हो गए हैं, कोई पार्ट बॉडी पार्ट कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लटक लटक गए हैं, शरीर इधर उधर हो गया है, बट मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि आई एम स्टिल हेल्दी, आई लुक स्टिल मच बेटर, है ना। तो मैं अपने एज ग्रुप में देखूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये सब एक अच्छी हेल्थ का नतीजा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्स फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, आपकी ओवरऑल फंक्शनिंग बेटर करता है एक अच्छा हेल्थ। देखो लिखा हुआ है फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड हेल्थ प्रोग्राम्स इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम्स। इसके बाद डेवलप्स गुड लुकिंग फिजिक, आपका फिजिक ओवरऑल, आप 80% ऑफ द जनसंख्या से अच्छे दिखोगे, 80% ऑफ द पॉपुलेशन से अच्छे दिखोगे अगर आप हेल्दी हो, राइट। इसके बाद कंट्रोल्स वेट, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ओबेसिटी नहीं आती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं, आप कोई भी 6 याद रख सकते हो अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो, वैसे 4-5 भी चलेंगे, बेसिक है ना यार, खुद भी लिख सकते हो, लो स्क्रीनशॉट सबका। ये हो गया डन। चलो अब आता है बच्चों हमारे पास डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। डायमेंशंस में क्या क्या आता है, मतलब मैंने बोला ना आपको वेलनेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वेलनेस के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, आप कोई भी 4-5 याद रखोगे काम चल जाएगा। कौन कौन से डायमेंशंस है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है वेलनेस इज द एबिलिटी टू लीव अ वेल बैलेंस्ड लाइफ, एक अच्छी बैलेंस्ड लाइफ जिसमें फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करते हैं। क्या क्या आता है इसके अंदर, देखो सबसे पहले आती है फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस में ऑब्वियसली हम फिजिकली इंसान की वेलनेस की बात करेंगे कि वो आपको दिख रहा है बाहर से फिजिकली फिट, अच्छा दिख रहा है। इमोशनल वेलनेस जिसमें हम इंसान की इमोशंस की बात करेंगे कि वो कहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है, किस तरीके से उसकी वो साउंड माइंड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। इंटेलेक्चुअल, आपका बिहेवियर, आपका इंटेलिजेंस, अलर्ट कितना हो, इनसाइट थिंकिंग, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ये सब हमारी इंटेलेक्चुअल में आ जाती है। सोशल वेलनेस, सोशल वेलनेस का मतलब कि कोई भी इंसान समाज में कैसा बिहेव कर रहा है, अगर वो किसी सोशल गैदरिंग में गया, अगर वो किसी मैरिज फंक्शन में गया है, किसी बर्थडे में गया है, पार्टी में गया है, तो वहाँ पे वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद स्पिरिचुअल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस होता है बेटा कि एक इंसान कितना मोरली, कितना स्पिरिचुअली फिट है, यानी अगर हम देखें तो कितना वो काम है, कितना रिलैक्स है, कितना अच्छे से वो सबसे बात करता है, ये सारा हमारा स्पिरिचुअल में आ जाता है। तो देखो इट मेक्स अ पर्सन एथिकली एंड मोरली गुड, पीसफुल, है ना, वो पीसफुल फील करता है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस का मतलब अपने काम में कितना हार्डवर्किंग है, कितना फोकस्ड है, वो ऑक्यूपेशनल में आता है। इट मेक्स द पर्सन टू बी हार्ड वर्कर,
focused for his job and earn the livelihood with honesty. Environmental wellness के आपके आसपास की चीज़ों का आप कितना ध्यान रखते हो, sanitation का, cleaning का, ये सारी चीज़ें. तो इसमें क्या आता है, wellness promotes good environment which is safe, clean and healthy. ठीक है, managing stress. Last आता है stress को अच्छे से manage करना. तो wellness से ये सारे dimensions cover हो जाते हैं, सारी चीज़ें cover हो जाती हैं. इसका भी आप अच्छे से screenshot लो, आराम से आप इसको लिख के आ सकते हो. नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. क्या क्या हेल्थ के डायमेंशंस होते हैं, एक हेल्दी इंसान आपको क्या क्या दिखाई देगा, ये बहुत सिंपल है. मतलब ये तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. एक हेल्दी इंसान आपको फिजिकली फिट दिखेगा. फिजिकली फिट का मतलब उसमें स्ट्रेंथ होगी, एंड्योरेंस होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्टैमिना, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी डिटेल में. उसके बाद वो पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेगा, हेल्दी हैबिट्स होंगी उसके अंदर, मतलब ईटिंग हैबिट्स, बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाता होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करता होगा, प्रॉपर योगा, स्विमिंग, अपनी वो स्टेप्स पे बहुत फोकस करता होगा. बेटा ध्यान रखना, नेवर अंडर एस्टिमेट वॉकिंग. कभी भी वॉकिंग को अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत अच्छी चीज़ है. पैदल जितना चलोगे उतना फिट रहोगे. मतलब लोग वर्कआउट कर रहे हैं जिम में जाके, पैदल नहीं चल रहे हैं. भैया पैदल चलो, तुम्हें वर्कआउट की आधी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी चीज़ है. इसके बाद रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, मेडिकल केयर, ब्लड टेस्ट अपना टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए, ताकि पता लगे कि सारे ऑर्गन्स इंटरनली भी अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मल्टीविटामिन की कमी तो नहीं है, कोई भी कोई ऐसा आपके पास. देखो बहुत सारे तरीके के विटामिंस होते हैं, बहुत सारे तरीके के मिनरल्स होते हैं, है ना. बहुत सारे आपको फूड से मिलते हैं, बहुत सारे फूड से नहीं मिलते, ये हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे. ऑल दो बट आप ये समझो कि जो हमारे पास माइक्रो मिनरल्स होते हैं, अब मैक्रो आपको मिल जाएंगे फूड से, माइक्रो कई बार नहीं मिलते, तो उसके लिए स्पेसिफिक आपके बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, मेडिसिन आते हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, या कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आप जनरली नहीं खाते, तो वो ढूंढने पड़ेंगे ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट. उसके बाद अच्छा पॉस्चर होगा एक हेल्दी इंसान का, आपको वो दिखाई देगा, वर्किंग, रेस्टिंग, स्लीपिंग, उसका पॉस्चर कभी भी गड़बड़ नहीं होगा. फन और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ अच्छे से कर सकता है एक हेल्दी इंसान. रेस्ट और स्लीप उसको प्रॉपर मिलता है ना, बैलेंस डाइट लेता है और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता है. देखो बहुत ही कॉमन पॉइंटर्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने पास लिख सकते हो. अब आ जाता है बच्चों हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, फिजिकल फिटनेस के डायमेंशंस. तो फिजिकल फिटनेस के 5 डायमेंशंस होते हैं. कौन कौन से होते हैं हमारे पास, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, इसको कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ भी बोलते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँगा तो एक इंसान में कितनी जान है, पावर, दैट इज स्ट्रेंथ. स्पीड, एक जगह से दूसरी जगह कितनी देर में पहुँच रहे हो, दैट इज स्पीड. एंड्योरेंस, कितना स्टेमिना है, कितनी देर तक आप वो काम कर पा रहे हो, दैट इज एंड्योरेंस. फ्लेक्सिबिलिटी, कितना लचीला है कोई इंसान, है ना, कितना मूव कर पा रहा है अपने मसल्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होता है कि आप कोई भी मूवमेंट अगर आप कर रहे हो तो कितने अच्छे से कर रहे हो, कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहे हो, आपके जिसके अंदर मल्टीपल मसल्स एंगेज्ड हैं, तो दैट इज योर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. ये भी हम पढ़ने वाले हैं. आइए सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं. स्ट्रेंथ की बात हो गई, मतलब आपकी कहीं भी पावर लगेगी तो वो स्ट्रेंथ है, है ना. अब स्ट्रेंथ जो है मल्टीपल स्पोर्ट्स में लगती है. आप नीरज चोपड़ा को देखो, भाला फेंकेंगे तो स्ट्रेंथ लगेगी ना, है ना. आप किसी भी फुटबॉलर को देखो, वो भी एक फुटबॉल को किक करेगा तो स्ट्रेंथ लगेगी. किसी वेट लिफ्टर को देखो, वेट उठाएगा तो स्ट्रेंथ लगेगी. तो स्ट्रेंथ क्या है बेसिकली, कि आपके अंदर कितनी जान है, आप कितनी फोर्स लगा रहे हो. क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ होगी, है ना, जैसे मेरा पेट है, अब मेरा पेट है उसका नाम टाइसन है. अब टाइसन अपनी ज़मीन पे बैठा होता है, मैं उसको उठाने की कोशिश करूंगा, वो नहीं उठेगा, वो अपने आप को फोर्स लगा के बैठेगा कि मुझे कोई उठाना पाए, मैं फिर भी उसे उठाऊंगा ज़बरदस्ती, दैट इज़ माई स्ट्रेंथ. तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करना, यही तो स्ट्रेंथ है. देखो क्या लिखा है, इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है उसके अगेंस्ट उसको उठाना. स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना फोर्स एक मसल लगा सकती है. ठीक है, अब अलग अलग तरीके की स्ट्रेंथ होती है बेटा. एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक. स्टैटिक का क्या मतलब होता है, खड़े खड़े एक जगह स्टिल, है ना, मतलब स्टिल आपको खड़े खड़े स्ट्रेंथ लगानी है. डायनामिक होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी मूव कर रही होती है. आप सपोज मैं आपको बोलूँ कि मुझे यहाँ खड़े खड़े इस बोर्ड पे जोर लगा के इसे पीछे करना है, इसे पीछे लेके जाना है, तो वो मेरी स्टैटिक स्ट्रेंथ हो जाएगी. डायनामिक क्या होगी, डायनामिक जैसे एक फुटबॉलर भाग रहा है, जोर लगा रहा है, वो एक डायनामिक स्ट्रेंथ में आ जाएगा. तो देखो क्या आता है हमारे पास, स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, नाम याद रखना, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ. इसको बच्चों आइसोमेट्रिक बोलते हैं, और ये होता है कि एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम वन पोजीशन, एक ही जगह से. जैसे आर्म रेसलिंग हो गया, आजा भाई पंजा लड़ाएंगे, पंजा लड़ाएंगे तो एक ही जगह बैठ के हम पंजा लड़ा रहे हैं ना, एक ही मूवमेंट में, हिल तो नहीं रहे, तो ये बेसिकली स्टैटिक में आ जाता है. ऐसे ही पावर लिफ्टिंग हो गया, पुशिंग द वॉल हो गया,
ये स्टेटिक स्ट्रेंथ है सारी की सारी। डायनामिक जिसमें मूवमेंट्स होंगे, इसको क्या बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक हो गई जो खड़े खड़े होगी, आइसोटोनिक हो गई जो मूवमेंट के साथ स्ट्रेंथ लगेगी अलग अलग स्पोर्ट्स में, ठीक है। अब ये तीन तरीके की होती है बेटा, ये मूवमेंट के लिए चाहिए, तीन तरीके की होती है, मैक्सिमल, एक्सप्लोसिव और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। सबसे पहले हम मैक्सिमल की बात करते हैं। मैक्सिमल की बात करते हैं हम लोग की एक पर्टिकुलर, ये बोल दो कि एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब आप जोर लगाते हो, जिसको हम एक्चुअल में पावर बोलते हैं, तो वो हमारी मैक्सिमल स्ट्रेंथ होती है। जैसे वेट लिफ्टिंग में हम लोग करते हैं ना, कोई थ्रोइंग में हम लोग करते हैं ना, कोई रेसलिंग में हम लोग करते हैं ना। अब आप थ्रोइंग में देखो, आप नीरज चोपड़ा का एग्जांपल लो, तो नीरज चोपड़ा जी पूरी कोशिश करेंगे भाग के आगे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ भाला फेंका, तो पूरा जोर लगा के फेंका, तो वो अपनी मैक्सिमल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर मूवमेंट में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मैक्सिमल स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव कौन सी होती है, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है स्पीड के साथ स्ट्रेंथ लगाना, ठीक है। एक्सप्लोसिव का क्या मतलब है, स्पीड के साथ जब आप स्ट्रेंथ लगाते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लोसिव, ठीक है। जैसे एक फास्ट बॉलर है, एक फास्ट बॉलर का आप देखना रनअप पूरी तेजी से भाग के आएगा, जितना स्मूथ रनअप होगा और फिर पूरी फोर्स लगा के बॉल फेंकेगा, तो वो कौन सी वाली स्ट्रेंथ लगा रहा है, वो लगा रहा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इट इज एन एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। अगर हाई स्पीड के साथ कर रहे हो तो वो एक्सप्लोसिव हो जाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड, ठीक हो गया, परफेक्ट है। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में लॉन्ग टर्म के लिए भागना होता है, मतलब आप काफी समय के लिए, फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेंथ लगा रहे हो, ठीक है, और आप 400 मीटर भाग रहे हो, 800 मीटर भाग रहे हो, अब देखो 100 मीटर में स्पीड के साथ स्ट्रेंथ लगानी है तो वो इसमें आ जाएगी। वहीं अगर आपको 800 मीटर भागना है, 800 मीटर भागना है तो लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी ना, वो इसमें आ जाएगी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर फटीग कंडीशंस, मतलब थक रहे हो तब भी, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हो गए, स्विमिंग हो गई, रोड साइकिलिंग हो गई, ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। चलो सर, इसके बाद क्या आता है बच्चों, स्पीड। स्पीड का मतलब कितनी तेजी से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, उसको स्पीड बोलते हैं। द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स एट अ फास्टर रेट, सिंपल सी बात है ना। रिएक्शन क्या होता है इसके अंदर, देखो इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। जैसे सबसे पहले रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि आप अपने किचन में गए हो और किचन में आप किसी पर्टिकुलर बर्तन को गैस से उठा रहे हो, वो गर्म निकला, एकदम हाथ उठा लोगे, तो रिएक्शन टाइम भी तो स्पीड में आएगा, है ना। कई बार सलेंसर पे गलती से पैर लग जाता है, गर्म गर्म एकदम पैर डालोगे, तो वो रिएक्शन टाइम भी हमारा स्पीड में आ जाता है या नहीं आ जाता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, है ना। किस तरीके से फर्स्ट रिएक्शन आता है उसको हम लोग स्पीड में कंसिडर करते हैं। दूसरा हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आता है कि आप पहले धीरे 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 स्पीड से भाग रहे हो, फिर आप तेजी से एक्सेलरेट करते हो, तो वो एक्सेलरेशन में आ जाता है। जैसे आप किसी बाइक को एक्सेलरेट करते हो, पहले धीरे चल रही है फिर तेज चल रही है, ये एक फैक्टर होता है स्पीड में। तीसरा होता है स्पीड ऑफ मूवमेंट। स्पीड ऑफ मूवमेंट का मतलब होता है कि आप कितना समय ले रहे हो कंप्लीट एक्शन को परफॉर्म करने में। स्पीड ऑफ मूवमेंट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, अब आपको स्पोर्ट में कोई मूवमेंट परफॉर्म करना है, है ना। अब अगर आपको मूवमेंट परफॉर्म करना है तो फिर उस सिनेरियो में कितना टाइम लग रहा है, फॉर एग्जांपल वो आपने देखा है कि डंडा रख के वो जंप करनी होती है ऊपर से, है ना, तो आप तेजी से भाग के आ रहे हो, फिर आप वो डंडे का क्या बोलते हैं स्पोर्ट को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिसमें वो बड़ी सी स्टिक रख के ऊपर से कूदते हैं, है ना, उसमें देखो उसके अंदर आपका स्पीड ऑफ मूवमेंट होता है। लोकोमोटर, लोकोमोटर होता है जब आपको डायरेक्शन चेंज करने होते हैं बार बार, कि आप इधर भाग रहे हो फिर इधर भाग रहे हो फिर इधर भाग रहे हो फिर इधर भाग रहे हो, ये सब लोकोमोटर में आता है, ठीक है। तो स्पीड में चार चीजें आ जाती हैं, आपका रिएक्शन टाइम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड ऑफ मूवमेंट हो गया और लोकोमोटर एबिलिटी हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चों एंड्योरेंस। एंड्योरेंस हम किसको बोलते हैं, बेसिकली स्टैमिना को। जिस भी स्पोर्ट को लंबे समय तक खेलना है वहां पे आपको एंड्योरेंस चाहिए, है ना। तो आप फुटबॉलर्स को देखो, बहुत तगड़ा एंड्योरेंस होता है, खेलते रहते हैं, है ना। हॉकी प्लेयर्स को देखो, शाहरुख खान की याद आती है 70 मिनट, तुम्हारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 70 मिनट है, तो 70 मिनट का स्टैमिना चाहिए ना भाई, तभी तो खेलेंगी लड़कियां, तो वो बेसिकली एंड्योरेंस में आ जाता है। देखो इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू द गेम, मतलब आपको एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग, मैं नहीं थक रहा हूं, राइट। ये लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में चलता है, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, सब में चलता है। ये दो तरीके का होता है बच्चों, एक को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट एंड्योरेंस या एनारोबिक या फिर मस्कुलर, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म या एरोबिक कार्डियोवैस्कुलर, इसको बोलते हैं हम लोग, बेसिकली इसके नाम में ही है। अगर आपको कोई एक्टिविटी शॉर्टर टाइम के लिए करनी है तो उसके अंदर आपका मस्कुलर एंड्योरेंस लगता है,
बड़े टाइम के लिए करनी है तो उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर लगता है। देखो लिखा हुआ है दिस कंपोनेंट और ऑफ एंड्योरेंस इज हेल्पफुल टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। आपको छोटे समय में कोई काम करना है विद फास्ट स्पीड, दिस इज द एंड्योरेंस वेयर द एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी इज डन, ठीक है, वेयर द इंटेंसिटी और स्पीड इज वेरी फास्ट। यहाँ पे स्पीड बहुत तेज होती है, आप बहुत तेजी से स्पीड से कोई काम कर रहे हो तो आपका स्टेमिना तो वहां भी चाहिए ना, स्टेमिना तो वहां भी चाहिए, तो वो आपका बेसिकली वहां पे शॉर्ट या एनारोबिक या मस्कुलर एंड्योरेंस वहां पे लगेगा। सपोज आप 100 मीटर भाग रहे हो तो 100 मीटर में आपको स्पीड तो चाहिए ही, साथ साथ एंड्योरेंस भी तो चाहिए भाई, स्टेमिना भी तो चाहिए, ऐसे ही थोड़ी भाग लोगे। वहीं अगर आप 400 मीटर भाग रहे हो तो स्पीड भी चाहिए, बेसिक स्पीड होगी और एंड्योरेंस ज्यादा चाहिए, तो वो यहाँ आ जाएगा। दिस इज हेल्पफुल वेन द एक्टिविटी इज डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी और स्पीड इज स्लोअर। देखो 100 मीटर में पूरी तेज भागना होता है फास्ट स्पीड, इसमें थोड़ा स्लो भागना होता है 400 मीटर में, तो ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। परफेक्ट है जी, एंड्योरेंस हो गया। चौथा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी सब जानते हैं यार कितना लचीलापन। देखो यहाँ पे चिंटी को, ये चिंटी कितना ज्यादा एकदम सूर्य नमस्कार करने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत सारे मूवमेंट्स आ जाती हैं कि आप कितने अच्छे से अपनी बॉडी को मूव कर पा रहे हो। सीधा सीधा फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशंस, है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जॉइंट टू जॉइंट वेरी कर सकती है ना, कोई जॉइंट्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई कम फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सपोज हम बात करते हैं रिस्ट और एल्बो, इसको मैं इससे नीचे ले आने की कोशिश करूंगा, नहीं आएगी रिस्ट मेरी, इधर भी चली जाएगी इधर भी चली जाएगी, ये एल्बो नहीं जा पाएगी भैया, ये बस ऐसे ही जाएगी, ये इससे नीचे नहीं जाएगी, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो हमारी डिपेंड करती है जॉइंट टू जॉइंट, कोई ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कुछ कम फ्लेक्सिबल होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, देखो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो आपने बिना किसी हेल्प के कोई मोशन परफॉर्म कराए, ठीक है ना, बिना किसी हेल्प के, कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं लिया आपने, आपने किसी ट्रेनर की किसी फ्रेंड की हेल्प नहीं ली, आपने अपने दम पे मूव करा, तो वो तो हो गया एक्टिव। और जो पैसिव है, पैसिव में आप क्या करते हो, आप किसी की हेल्प से अपने जॉइंट्स को मूव करते हो, है ना। अब मैंने क्या करा, मैं अपने हैंड्स को आराम से मूव कर रहा हूँ, बड़े आराम से मूव कर रहा हूँ, बहुत ईजिली मूव कर पा रहा हूँ, तो ये कौन सी हो गई मेरे पास, एक्टिव। और मैं किसी की हेल्प से अपनी बैक को बेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर वो पैसिव में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव में क्या लिखा हुआ है, इट इज परफॉर्म विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, इट इज परफॉर्म्ड विद एक्सटर्नल हेल्प, जैसे स्ट्रेचिंग विद पार्टनर, ठीक है। अब एक्टिव में जो आप बिना किसी हेल्प के कर रहे हो, उसके दो पार्ट्स हैं बच्चों, एक होती है स्टेटिक, एक होती है डायनामिक, ठीक है। स्टेटिक कौन सी होती है, जो एक ही पोजीशन पे खड़े खड़े होती है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अपने लेग्स को बिल्कुल नीचे तक टच करना है, ठीक है, तो मैं खड़े खड़े बेंड होकर टच करूँगा, तो ये तो स्टेटिक हो गई। उसके बाद हमारी दूसरी डायनामिक, डायनामिक कौन सी होती है, जिसके अंदर आप पूरा मूव करके फ्लेक्सिबिलिटी अपनी दिखा रहे हो। तो देखो क्या है यहाँ पे, इट इज़ परफॉर्म्ड वाइल इन मोशन, ठीक है, जैसे जिमनास्टिक्स हो गए उसमें चलता है, और ये टो टचिंग हो गया, चक्रासन हो गया, साइडवर्ड बेंडिंग हो गया, मुझे साइड्स में बेंड होना है, तो मैं खड़े खड़े इधर बेंड हो रहा हूँ, इधर बेंड हो रहा हूँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है। कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये स्टेटिक, एक जगह खड़ा हुआ हूँ, डायनामिक का मतलब चेंज होना होता है, ठीक है जी। लास्ट आता है बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी बोलते हैं ना, एक इंसान कितना एजाइल है, एजाइल का मतलब कितनी एफिशिएंसी के साथ वो सारे मूवमेंट्स कर रहा है। इसके अंदर ना मल्टीपल चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ भी आ जाती है, आपकी स्पीड भी आ जाती है, इसके अंदर सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं कि आप कोई भी स्पोर्ट को कितने परफेक्शन के साथ खेल रहे हो। आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, आपके सारे के सारे सेंसेस साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जैसे हम जिम में बोलते हैं मसल एंड माइंड कॉम्बिनेशन, तो मसल एंड माइंड कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि आपका मसल पे तो आप फोकस कर ही रहे हो, आपका माइंड भी वहीं ध्यान दे रहा है ना, तो वो एक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का एग्जांपल है। क्या हो जाएगा, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद परफेक्शन एंड एफिशिएंसी, ठीक हो गया। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के बच्चों बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। अब देखो आपको इतने टाइप्स याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिए ये सारे के सारे, आप एक एक बार रीडिंग लगा लेना, मैं आपको बता भी देता हूँ, कोई भी चार याद रख लेना, दैट इज सफिशिएंट, इतने सारे रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती है, इजी बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो हो गया एडैप्टिव एबिलिटी हो गया कि आपको सडनली अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एडैप्टिव एबिलिटी। यानी आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, सही है, अब सपोज मैं सुबह जिम में गया हूँ,
तो पहले मैं जिम में गया तो मैं नॉर्मल बेसिक स्ट्रेचिंग कर रहा था, तो स्ट्रेचिंग में जितनी स्ट्रेंथ चाहिए थी मैं उसके हिसाब से काम कर रहा था। फिर मैंने वेट लिफ्टिंग करी, वेट लिफ्टिंग में एक सेपरेट लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए, फिर मैंने उसके हिसाब से खुद को चेंज किया। फिर मैंने कार्डियो करा तो मुझे रनिंग के लिए अलग स्ट्रेंथ चाहिए थी, तो वहाँ पर मैंने खुद को अपने आप को अडॉप्ट करा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक अडैप्टिव एबिलिटी, ठीक है। बैलेंसिंग एबिलिटी, बैलेंसिंग में जब आपको बैलेंसिंग स्किल्स, जब आपको बैलेंस करना है किसी चीज़ के ऊपर, ये इसमें आ जाती है। लाइक वॉकिंग ऑन अ स्मॉल स्टेप, स्टैंडिंग ऑन अ स्मॉल डस्टर, ये हमारी बेसिकली बैलेंसिंग एबिलिटी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी का क्या मतलब होता है, हमारे पास जो हमारे पास थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करना। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि जब आप कोई मुश्किल मूवमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो वो इसमें आ जाता है। दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज कॉम्बिनेटरी एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू मूव पार्शियल मूवमेंट्स टुगेदर इनटू मोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद काइनेस्थेटिक एबिलिटी। काइनेस्थेटिक अलग अलग स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर हम डायनामिक फीचर्स ऑफ मूवमेंट इंक्लूड करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे बैलेंस करना। एक तो था ऊपर वाला जो बैलेंसिंग था, ये तो एक जगह कोई मूवमेंट, एक पर्टिकुलर चीज़ है उस पे बैलेंस करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैंने नीचे एक ब्रेक रख दी, उस ब्रेक पे बैलेंस करना, तो वो तो बेसिक बैलेंस हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक बॉल रख दी, वो जिम में बॉल होती है ना, उस पे बैलेंस करना, दोनों में फ़र्क है ना, तो वो बेसिकली इसमें आ जाता है काइनेस्थेटिक में। रिदम हमारा डांस वगैरह में आ जाता है। इट इज़ द एबिलिटी दैट अनेबल्स टू ग्रास्प मोटर यानी मूवमेंट्स, ठीक है। ये बेसिकली डांसिंग स्किल्स में, इस तरीके की चीज़ों में हमें हेल्प करता है, सही है। तो देखो इस तरीके से बहुत सारे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी चार आपको याद रखने और आपका काम हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक गाइस खत्म हो गया। अब हमारे पास बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बेसिक सा, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स, हमारे पुराने समय से चलते आ रहे स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये तुम सब जानते हो, इसमें कुछ खास पढ़ाने वाला है नहीं। अब ये टॉपिक जो है बच्चों, ये बहुत ही आसान है यार। क्या लिखा है इसके अंदर देखो, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हो गए हमारे, या रीजनल गेम्स हो गए जो रीजन टू रीजन अलग अलग रीजन्स में खेले जाते हैं। जैसे आप पंजाब में देखते हो बहुत पुराने समय से कुश्ती, कबड्डी, ये हमें देखने को मिलती है, इस तरीके की चीज़ें है ना। तो ये हमारे सारे के सारे रीजनल गेम्स हैं। अब देखो बड़े ध्यान से, द ओरिजिन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स डेट्स टू द इनसेप्शन ऑफ द सोसाइटी। सम गेम्स, जो कुछ गेम्स हैं जो सर्वाइवल की वजह से एग्जिस्टेंस में आए, सर जैसे कौन से गेम्स, जैसे कि हम आर्चरी को ले लेते हैं है ना, जो हम पुराने समय से देखते हैं कि जो बेसिकली तीर शिकार करते थे लोग, तो अपनी सर्वाइवल के लिए ये गेम आए। उसके बाद आप दूसरा अंताक्षरी ले लो, ये बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए ये गेम्स इस तरीके से डेवलप हुए। तो कुछ गेम्स जो हैं वो सर्वाइवल के लिए आए थे, कुछ गेम्स सोशल इंटरेक्शन के लिए आए थे, ठीक है। तो गेम्स में आप देखते हो द डिज़ायर टू एक्सप्रेस इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये गेम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो डिफरेंट डांस फॉर्म्स हो गए, ट्रेडिशनल गेम्स हो गए, द गेम्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ द बिलीव्स एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी। जितने भी गेम्स हैं वो बिलीव्स और कल्चर्स को दिखाते हैं हमारे, राइट, ठीक है। जैसे इंडिया के स्पोर्ट्स जो हैं वो महाभारत के टाइम से आ रहे हैं ना, जैसे आर्चरी हो गया, चौपार हो गया, ये हमारे पुराने गेम्स हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, कौन कौन से हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, बोर्ड गेम्स, शतरंज है ना, लूडो हो गया, चेस हो गया, ये हमारे काफ़ी पुराने स्पोर्ट्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, बोर्ड गेम्स हो गए हमारे, सही है। इसके साथ साथ कॉम्बैट गेम्स, कॉम्बैट गेम्स कौन से हैं, बेसिकली जो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, जो हमारे पुराने समय से चलते आ रहे हैं, राइट, जो हमारी कुश्ती हो गई, जूडो हो गया, जूडो कराटे हो गया, ये सब हमारे कॉम्बैट गेम्स होते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि दीज वर इन्वेंटेड टू हर्ट अदर ह्यूमन बींग्स, नहीं, बट एक्चुअली दीज वर इन्वेंटेड फॉर सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए बेसिकली बनाए गए थे। इसके बाद गेम्स इन्वॉल्विंग हेल्प ऑफ एनिमल्स हो गया, हॉर्स रेसिंग वगैरह हो गया, ये गेम्स हमारे एनिमल्स की हेल्प से ही होते हैं, है ना। रैकेट गेम्स हो गए फिर, तो ये हमारे एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं और धीरे 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 इनके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं पढ़ने वाला। इसके बाद आप देखते हो टीम गेम्स हो गए। टीम गेम्स में हम क्या बोल सकते हैं, टीम गेम्स में हम लोग बोल सकते हैं जिसके अंदर पूरी की पूरी टीम चाहिए। हमारे देश में खो खो, कबड्डी, ये बेसिकली इंडिया में ही ओरिजिनेटेड है, इंडिया से ही चलते आ रहे हैं। प्ले गेम्स हो गए, प्ले गेम्स का मतलब जैसे गुल्ली डंडा हो गए, ठीक है, हमारे शहर में बेसिकली तो यहाँ पे फट्टी बॉल बोलते थे हम जब छोटे छोटे होते थे, तो बहुत खेलते थे फट्टी बॉल, गुल्ली डंडा, ये बेसिकली हमारे प्ले गेम्स हो गए, चाइल्डहुड में हमारे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ इंडियन जिमनास्टिक्स, इंडियन जिमनास्टिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एक पोल की मदद से इस तरीके से, जैसे ये हमें देखने को मिल रहा है, ये इंडियन जिमनास्टिक्स में आ जाता है, राइट। इनका आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है,
और ये भी आपकी हेल्प करेंगे। तो हमारे एंशियंट गेम्स में आपको इस तरीके के स्पोर्ट्स लिख के आ जाने हैं कि हमारे एंशियंट में बोर्ड गेम्स बहुत पॉपुलर थे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कॉम्बैट गेम्स हो गए हमारे जो सेल्फ डिफेंस के लिए, उसके बाद एनिमल्स की हेल्प से जो हॉर्स रेसिंग वगैरह है, रैकेट गेम्स हो गए, टीम गेम्स हो गए, प्ले गेम्स हो गए और जिमनास्टिक्स हो गए। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है लीडरशिप। सर व्हाट इज़ लीडरशिप? अब देखो स्पोर्ट्स में हम लोग बोलते हैं ना कि माही इज़ अ वेरी गुड लीडर, हमारे MS धोनी इज़ अ वेरी गुड लीडर। तो एक अच्छा लीडरशिप स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ताकि वो टीम को लीड कर पाए, एग्जाम्पल के तौर पे आगे आ पाए, इनिशिएटिव ले पाए, लोग उसको सुने, उसकी समझें। तो लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जिसमें आप सामने वाले किसी इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो, सामने वाला अपनी इच्छा से आपको फॉलो करता है, तो दैट इज़ अ लीडरशिप, है ना। क्या है देखो, लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स अ गोल। आपने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना है टू एक्ट टुवर्ड्स अ गोल, परफेक्ट है। ये एक वो एक लीडर एक वो इंसान होता है हु पोजेस कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप, मतलब उसके अंदर अच्छी पर्सनैलिटी भी होगी, अच्छी स्किल्स भी होंगी और वो खुद लीड बाय एग्जांपल भी करेगा, परफेक्ट भी होगा वो, है ना। ये एक डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिखनी हो तो लिख देना। एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, देखो बहुत सारी हैं, ठीक है, कोई भी 5 से 6 आप याद रख सकते हो, स्क्रीनशॉट लो। देखो क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास। सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं एक अच्छा लीडर ऑनेस्ट होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट, ही शुड टेक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही शुड बी फोकस्ड, ही शुड हैव द एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स, मतलब खुद भी तो परफेक्ट होना चाहिए। अब तुम्हारा लीडर खुद ही परफेक्ट नहीं है तो क्या करेगा। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब वो अच्छे से काम को डिवाइड कर पाए। डेलीगेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसमें एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को काम देता है, इसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होनी चाहिए, अगर आप मैच हारोगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा भैया, आप भाग नहीं सकते उस चीज़ से। कॉन्फिडेंट होना चाहिए लीडर, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, सब होगा एक अच्छे लीडर में तो ही चीज़ें हो पाएंगी। तो क्वालिटीज़ में आप कोई भी 5 से 6 क्वालिटीज़ एग्जाम में लिख सकते हो। अब आ रहा है बच्चों फिजिकल एजुकेशन से अच्छे लीडर्स कैसे बनते हैं। तो देखो सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन की मदद से आप अच्छे लीडर्स कैसे बना सकते हो। नंबर 1, एनालाइजिंग लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें बच्चों में देखना होगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर लीडरशिप स्किल्स हमें देखने को मिल रही हैं, उन स्किल्स को डेवलप किया जाता है फिर धीरे धीरे, है ना। अब देखो सचिन तेंदुलकर जैसा खेलते थे, अर्जुन तेंदुलकर वैसा नहीं खेल रहे हैं अभी तक, राइट। अब ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं तो वो उसी तरीके से खेलेंगे, तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में लेजेंड बोला गया है ना। तो अर्जुन तेंदुलकर में शायद वो स्किल्स ना हो, है ना, कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने की, सारी इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ हैं, बट स्टिल इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर IPL भी खेले थे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, लीडरशिप स्किल्स भी एक ऐसी ही स्किल्स हैं। सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ता है किसके अंदर है, फिर उसको नर्चर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हूज लीडरशिप स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्रूव्ड। फिर आप ऐसे प्लेयर्स, ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढो जिनकी लीडरशिप आपको मिल गई है, उनको इम्प्रूव करना है। तीसरा क्या हो सकता है, फेथ और कॉन्फिडेंस रखना स्टूडेंट्स में, इट इज़ एसेंशियल टू बिलीव इन द लीडरशिप स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, और उनको चांस देना। उसके बाद जो अच्छा करेगा उसको रिवॉर्ड करना, रिवॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप फ्यूचर लीडर्स तैयार कर सकते हो अपने देश के लिए, राइट। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लीडरशिप रोल्स। आप उनको अलग अलग रोल्स दो, टाइम टू टाइम ऐसी एक्टिविटीज दो जिसके थ्रू आप अच्छे लीडर्स डेवलप कर पाओ, ठीक है ना। जब आप टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स कराओगे, गेम्स कराओगे, हर किसी को कैप्टन करने का मौका दो, टीम में इस तरीके की चीज़ें बना के रखो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, परफेक्ट। लास्ट आता है बच्चों हमारे पास टॉपिक फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के साथ एक टॉपिक और आता है प्राइस, जिसको मैं अभी पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। फर्स्ट एड क्या होता है, इमीडिएटली किसी को कोई चोट लगी है तो उसका इमीडिएटली सबसे पहले इलाज हो जाना, दैट इज़ फर्स्ट एड। बाद में उसका जो प्रॉपर इलाज होना है वो तो होगा जो होगा, लेकिन फिलहाल उसका एक प्रॉपर इलाज होना, इसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। क्या है देखो फर्स्ट एड, द टर्म फर्स्ट एड वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1879 बाय सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। फर्स्ट एड इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट इसेंशियल एमरजेंसी ट्रीटमेंट, मतलब जो हाथों हाथ आप कर सकते हो वो आप हाथों हाथ कर दो। इट इज इमीडिएट एंड टेम्प्रेरी केयर, ये बच्चों इमीडिएट होता है, टेम्प्रेरी केयर होता है, मतलब ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन आप हाथों हाथ फिलहाल उस इंजरी को आपने क्योर कर दिया, ठीक है। द पर्सन हु गिव्स ट्रीटमेंट टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और अ विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट टू इम्प्रूव हिज कंडीशन इज कॉल्ड एन एड्स। जो उसकी हेल्प कर रहा है उसको हम एड्स बोलते हैं, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट जो दिया जाता है उसको हम एड बोलते हैं, इसीलिए उसको फर्स्ट एड बोल दिया जाता है, ठीक है जी, परफेक्ट है।
ये हमारे पास बेसिक फर्स्ट एड की डेफिनेशन होती है, बाकी आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद क्या एम्स होते हैं इसके, देखो सबसे पहले क्या एम है, क्या मकसद है, फर्स्ट एड क्यों दिया जाता है, क्या बोलेंगे हम। देखो सबसे पहले टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर एन एमरजेंट सिचुएशन, मतलब अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उसके लिए हम खुद को प्रिपेयर्ड फील करेंगे। दूसरा टू असेस एंड एड्रेस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस फर्स्ट, अगर कोई बहुत गहरी इंजरी हुई है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है तो उसको फटाफट क्योर करना। टू मिनिमाइज फर्दर इंजरी, इंजरी आगे ना बढ़े, इन्फेक्शन आगे ना फैले। टू मेक द विक्टिम कंफर्टेबल, ताकि विक्टिम एकदम कंफर्टेबल फील करे, उसको लगे यार ठीक है मुझे इलाज मिल गया है ना। कई बार लोग डर डर से ही मर जाते हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट द विक्टिम टू अ मेडिकल फैसिलिटी, जब तक आप उसको ले जा रहे हो एक हॉस्पिटल तक, तब तक उसको एक बेसिक ट्रीटमेंट मिल गया है। यही पर्पज होता है हमारे पास फर्स्ट एड का। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा प्राइस। ये जो प्राइस है ना, ये पहले राइस होता था, RICE होता था फर्स्ट एड में, अब ये प्राइस कर दिया गया है। प्राइस में पी क्या है, देखो प्रोटेक्शन, पी क्या है हमारे पास, पी इज प्रोटेक्शन, आर इज प्रॉपर रेस्ट, आई इज आइस, आइस का बहुत रोल है भैया, आइस ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा दी जाती है क्योंकि आपकी मसल्स को हेल्प करता है, कॉम्प्रेशन एंड एलिवेशन। तो देखो क्या है हमारे पास, ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ डीलिंग विद स्पोर्ट्स इंजरी दैट इज राइस हैड बीन मॉडिफाइड टू प्राइस, राइस से प्राइस हो गया है, ठीक है। इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ द वर्ड प्रोटेक्शन, परफेक्ट प्रोटेक्शन क्या होता है, सबसे पहले प्रोटेक्ट द अफेक्टेड एरिया फ्रॉम फर्दर इंजरी, मतलब आपको सबसे पहले फर्स्ट एड का पर्पज यही होता है कि फर्दर इंजरी ना हो उस एरिया पे, उसको आपने प्रोटेक्ट कर दिया एक तरीके से, है ना। दूसरा होता है रेस्ट, स्टॉप यूजिंग इंजर्ड पार्ट, अब आपको इंजर्ड पार्ट जो है उसको यूज नहीं करना, उस एक्टिविटी को इमीडिएटली डिसकॉन्टिन्यू कर दो, स्टॉप यूजिंग द इंजर्ड पार्ट और डिसकॉन्टिन्यू द एक्टिविटी, क्योंकि उससे फिर फर्दर इंजरी हो सकती है, हीलिंग देर में होगी, पेन बढ़ सकता है, तो एकदम रेस्ट जरूरी हो जाता है इंजरी के बाद। तीसरी चीज आइस लगाना, आइस से क्या होता है बोलते हैं ना आइस मसाज करो, आइस से क्या होता है, उससे ब्लड वेसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आइस एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड वेसल्स, इट हेल्प्स स्टॉप इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती फ्रॉम इंजर्ड कैपिलरीज और ब्लड वेसल से, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो रिकवरी टाइम होगा वो इंप्रूव हो जाएगा और आप जल्दी हील कर जाओगे, तो आइस थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोटेक्शन हो गया, रेस्ट हो गया, आइस हो गया, उसके बाद कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन क्या होता है, बेसिकली उसके ऊपर कोई पट्टी या बैंडेज बांध देना, कॉम्प्रेस करना उस चीज को, हैसन हीलिंग टाइम बाय रिड्यूसिंग स्वेलिंग, स्वेलिंग नहीं होगी, है ना, उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा, आप काफी रिलैक्स फील करोगे, गर्म पट्टी बोलते हैं ना, हम गर्म पट्टी बांध देते हैं, राइट। डिक्रीजेस सीपिंग ऑफ फ्लूइड इनटू इंजर्ड एरिया, है ना, इंजर्ड एरिया में बेसिकली किसी भी तरीके का फ्लूइड सीपिंग नहीं होता। उसके बाद यूज इलास्टिसाइज बैंडेज, हम बेसिकली बैंडेज यूज करते हैं या कॉम्प्रेशन स्लीव यूज करते हैं, कोई कपड़ा यूज करते हैं, उससे बेसिकली हमारा ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाता है, बहुत ज्यादा उस पार्ट को रेस्ट मिलता है और जल्दी जल्दी इंप्रूव हो जाता है। लास्ट होता है हमारे पास एलिवेशन। एलिवेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, देखो एलिवेट का मतलब होता है कि आप उसको थोड़ा सा ऊपर करके चलो, मतलब उसकी हाइट बढ़ा के चलो, उस पार्ट को एलिवेट कर दो, एलिवेट का मतलब ऊपर ले आओ। तो एलिवेट इंजर्ड पार्ट्स अबव द लेवल ऑफ हार्ट, डिक्रीज इज स्वेलिंग, स्वेलिंग कम होगा, उससे आपका पेन कम होगा, और आप ऑब्जेक्ट्स या पिलोज यूज कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट रख के कोई पिलो यूज करके आप उसको एलिवेट करोगे तो आप काफी बेटर फील करोगे। तो ये था हमारे पास लास्ट, जिसकी मदद से हम चीजें देखते हैं, चैप्टर भी खत्म, टॉपिक भी खत्म, और 5 चैप्टर्स मैंने आपके फिजिकल एजुकेशन के कंप्लीट करा दिए। तो गाइज इसके बाद ज्यादा बचा नहीं है आपका सिलेबस, फाइनल्स में बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी ही मिलेंगे हम नई वीडियोस के साथ, तब तक आप खूब अच्छे से तैयारी करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर तो करना ही है सभी तक, और जल्दी से मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, मुझे आगे जरूर बताना नंबर कितने आए, टेक केयर, बाय बाय।